कत्थे आंखों वाली एक लड़की रोज कहकर मुझसे लड़ती है, तुम मुझे क्यों नहीं मिले पहले। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। तो एक झलक देखी आपने सुरों के सूरमाओं की, और आज तय हो जाएगा कि संगीत के प्रथम विश्व युद्ध के महासंग्राम में जीत का सेहरा किसके सिर बनेगा। जी टीवी पर दिखाए जाने वाले म्यूजिक शो सारेगामापा के फाइनल में मुकाबला राजा ओलिक और अमानत के बीच है। मुंबई में अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रात 8 बजे से 11:30 बजे तक संगीत के विश्व युद्ध का फाइनल मुकाबला जारी रहेगा। सुरों के संग्राम में शो के सभी जजेस बप्पी लाहिरी, विशाल शेखर, हिमेश शामिया और इस्माइल दरबार मौजूद होंगे। युद्ध मुकाबला अनेक राजा और अमानत के बीच का है, लेकिन सारेगामापा के दूसरे प्रतियोगी भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। इतना ही नहीं, इस शो में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और संगीतकार बप्पी लाहिरी भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। अनेक राजा और अमानत ने फाइनल्स के लिए जमकर तैयारी की है। राजा अगर अपनी मखमली आवाज से सबके दिल को जीत लेते हैं तो दूसरे फाइनलिस्ट भी कम नहीं है। पाकिस्तान से आया अमानत सूफी गानों का बादशाह नजर आता है। उधर ओलिक अपनी कामयाबी का एक बार फिर उसका मंजर देखना चाहते हैं, क्योंकि ओलिक बांग्ला में भी सारेगामापा के चैंपियन रह चुके हैं, इसलिए उनके सामने मौका डबल बनाने का है। ग्रैंड फिनाले की तैयारियों में सारेगामापा की पूरी टीम जुटी है। तो कैसी चल रही है तैयारी और सिरों के इस महासंग्राम से पहले इस जंग के महारथियों की दिल की धड़कनें क्या कुछ कहती हैं? कितनी उम्मीद है, कितना जोश है? इन सब सवालों के लिए हमारी संवाददाता नीरू शर्मा पहुंची दो महारथियों के पास। एक है बीकानेर के राजा हिंदुस्तानी और दूसरे हैं कोलकाता के ओलिक। अमानत और ओलिक, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त आपके दिल की धड़कनें क्या कह रही हैं? बस हाँ बोल बेटा, बहुत 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 एक्साइटमेंट है दिल में, क्या होने वाला है। और ऊपर से हम लोग बहुत रिलैक्स्ड मूड में है। आज लाइव कंसर्ट होगा, आज अमानत ओलिक राजा लाइव। हम 6 महीने से कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं बहुत बहुत, तो आज सबको मुझको मेरी मेहनत का फल मिलेगा स्पेस की, और राजा भाई को राजा भाई की। दिल की धड़कनें जितनी तेज हैं उसके ऊपर एक फड़कता हुआ जानदार गाना सुना दीजिए। चारों मिलके दिल की चारों मिलके हाँ नहीं नहीं चलिए दोस्ती और नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सही है नवजोत, इन्होंने ये दोस्ती और ये बॉन्ड इतने महीनों के बीच में एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस किया है बॉन्ड। अब मैं इनसे पूछती हूँ, हरप्रीत से, जो कि हालांकि इस कॉन्टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब मैं उनसे ये जानना चाहूंगी कि इन तीनों में से राजा ओलिक और अमानत में से इनके फेवरेट कौन है। जी इनके सामने आप ये बात पूछे मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं है, तीनों का एक्चुअली मैं ये बताऊंगा लोगों को कि तीनों ही डिफरेंट तरह के सिंगर्स हैं। ओलिक की अपनी स्पेशलिटीज हैं, अमानत की अपनी है और राजा की अपनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तीनों में से, अगर मैं सच्ची बताऊं तो हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार अगर ये बन गया तो नाइंसाफी हो गया, ये बन गया नाइंसाफी होगी, तो तीनों में से कोई भी बनेगा पार्टिसिपेंट इस बार, तीनों इतने स्ट्रांग है कि कोई नाइंसाफी नहीं होने वाली है, तो सभी लोग अच्छे हैं। लेकिन मैं स्पेशली ये बोलना जो चाहूंगा कि ऐसा ना हो कि आप लोग अमानत को वोटिंग ना करें, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में आया है और अपना ही बच्चा है, तो राजा को भी प्यार कीजिए, ओलिक को भी प्यार कीजिए और अमानत को भी प्यार कीजिए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की चीज को मतलब चेयर अप करते हुए, बकअप करते हुए गाइए इन तीनों के लिए। इनके लिए मैं ओके तेरे जैसा यार कहा,
कहाँ ऐसा यारा ना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यारा ना। मुझे ये बताइए अमानत और ओनिक, आज एक बहुत बड़ा सीक्रेट हमको पता चल गया कि राजा की शादी हुई हुई है और आप दोनों के ऐसा कोई सीक्रेट है जो अभी तक किसी को नहीं पता है? मुझे हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि हमने अभी तक छुपा के रखा कि राजा भाई की शादी है। मतलब आप राजा को सपोर्ट कर रहे थे? अब तक सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि मेरा भाई है वो, और वो डरता था काफी कि मेरी शादी डिस्क्लोज ना हो। कैसी बात? नो कमेंट्स। तो हमने हमारा ऐसे ही बस एक सस्पेंस, हमने सरप्राइज रखा था ऑडियंस के लिए जो आज हम फिनाले में ये सरप्राइज दे रहे हैं कि उसकी वाइफ भी हमारी। एक सरप्राइज हम यहाँ तोड़ेंगे। हमेशा से हिमेश जी ये कहते आए हैं कि अमानत और ओनिक जो है वो एक लड़की के लिए पागल थे, तो वो लड़की कौन है आज उसका नाम बता दीजिए। आज फाइनेंस वो सरप्राइज में आज फाइनेंस और उनको बता दीजिए ना लड़की अभी नहीं। अरे नेशनल चैनल है, वो लड़की के सामने आज प्यार का इजहार एकदम नेशनल। मैं बोलूंगा और उनको मैं स्टेज में स्टेज पे हमें रोका ना उनको, पूरी दुनिया आज वेट कर रही है। आज क्या होने वाला है? मतलब ये है कि आज पूरी दुनिया के सामने ओनिक जो है वो लड़की के साथ अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। किस अंदाज में करेंगे उनसे पूछ लेते हैं हम। ओनिक क्या अंदाज होगा लड़की जब आपके सामने आएगी प्यार की गा के? देखिए मैं पहले से प्री प्लान कुछ नहीं करता, लड़कियों को देखता हूँ तो खुद ब खुद मेरा अंदाज निकलता है। तो बस मैं कितनी लड़कियों को देखते हो? सभी लड़कियों को देखता, आपको भी देख रहा हूँ। मुझे भी देख रहा हूँ, लेकिन चलो मैं उम्र में आपसे थोड़ी बहुत बड़ी हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि लड़की को देख के सबसे पहला गाना कौन सा दिमाग में आता है वो मुझे गा के बताइए। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। इसको पूरा कीजिए। कथई आंखों वाली एक लड़की रोज कहकर मुझसे लड़ती है, तुम मुझे क्यों नहीं मिले पहले, एक ही बात पर बिगड़ती है। ओनिक के प्यार का अंदाज है। जुनैद आपके प्यार का अंदाज क्या होगा मुझे बताइए? मेरे प्यार का अंदाज बता दो। गुस्ताख दिल तेरे लिए बेताब है जान जा, दर्द जिगर कैसे बयां तुझे करे दिल बेजुबान, ये दिल हरप्रीत से पूछेंगे जी मेरा अंदाज। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम्हें न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ होता है। जरूर ये कुछ कुछ तो दिल में जरूर हो रहा है। और अब मैं ये पूछूंगी अमानत और ओनिक से, क्योंकि आज फाइनल है, तो फाइनल्स को लेके कुछ 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 वो क्या है? वो फाइनल्स को लेके कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं। तो दिलों की धड़कन तो तेज है, लेकिन उसके साथ मैदान में पूरी तरह से अपना रंग जमाने का भी जज्बा है इन सभी के बीच। इसके बारे में आगे भी हम आपके साथ बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक।